हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ड्रीम लवासना एस्पायर टू अचीव आज के प्रीलिम्स डोज में हम लोग बात करेंगे बहुत ही चर्चा में रहने वाले कवच सिस्टम के बारे में यह अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है और इससे पहले उड़ीसा में भी बहुत भयंकर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से कवच सिस्टम जो है वो न्यूज़ में आया है तो चलिए इस सिस्टम के बारे में हम लोग जान लेते हैं लेकिन उससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कवच सिस्टम के बारे में हम लोग बात करते हैं तो कवच जो है वो एक एडवांस्ड एंटी कोलिजन डिवाइस है जिसको कि स्पेशली ट्रेन के लिए डिजाइन किया गया है इट इज एन इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय इंडियन रेलवेज इन कोलैबोरेशन विद स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रेन ऑपरेशंस। ये एक इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी यानी कि देसी टेक्नोलॉजी है जिसको कि हमारी कंट्री में ही डेवलप किया गया है और डेवलप किया है इंडियन रेलवेज़ ने और किसके कोलाब्रेशन के साथ इसरो के साथ जिससे कि हमारे ट्रेन्स के ऑपरेशन को कोई दिक्कत ना हो वो आसानी से इधर से उधर ऑपरेट कर सकें बिना किसी एक्सीडेंट के खतरे के हम लोग बात करेंगे इसके एम्स के बारे में कि इस डिवाइस के एम क्या क्या है या इस सिस्टम के ऑब्जेक्टिव या एम क्या है तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कवच सिस्टम का वो है इज टू प्रोवाइड टाइमली एंड एकूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ अदर ट्रेन विद इन अ स्पेसिफिक रेंज कोई ट्रेन जा रही है अगर तो उसके आसपास कितनी ट्रेंस हैं इसकी टाइमली और एकट इंफॉर्मेशन उस ट्रेन को प्रोवाइड करना ही इस सिस्टम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जिससे कि कोलिजेंस ना हो या एक्सीडेंट ना हो एंड इंश्योरिंग द स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेन ऑपरेशंस इट इज हाईली सोफिस्टिकेटेड एंड इंटेलिजेंट सिस्टम जो कि यूज़ करता है जीपीएस को जीएसएम को और वीएचएफ टेक्नोलॉजी को जिससे कि वो अपने सिग्नल को ट्रांसमिट कर सके और रिसीव कर सके बिटवीन ट्रेन एंड कंट्रोल सिस्टम्स हम लोग इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं कि जब ये सिस्टम डिप्लॉय किया जाता है तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं तो जो इसका सबसे पहला कंपोनेंट है वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी इन ट्रैक्स इट यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टू ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई एंड रीड इंफॉर्मेशन कंटेंट इन अ वायरलेस डिवाइस फ्रॉम अ डिस्टेंस विदाउट मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट आर रिक्वायरिंग अ लाइन ऑफ साइट दूसरा इसका जो कंपोनेंट है वो है लोकोमोटिव यानी कि ड्राइवर का केबिन जिसमें कि आर एफ आई डी रीडर्स कंप्यूटर और ब्रेक इंटरफेस इक्विपमेंट होते हैं और इसके साथ ही जो तीसरा और आखिरी कंपोनेंट है वो है रेडियो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें कि टावर्स और मॉडेम्स आते हैं जो कि स्टेशन पर इंस्टॉल होते हैं अब हम लोग बात करेंगे इसकी वर्किंग के बारे में तो जैसा कि हमने अभी कंपोनेंट्स में देखा है तो ये यह यहाँ पे टावर लगे हुए हैं स्टेशन पर यहीं पे मॉडेम और मॉडेम भी होते हैं इसी के साथ ही ये दो ट्रेनस हैं और इसी के अंदर ये कवच सिस्टम लगा होता है और ये लोग जीपीएस के थ्रू इनकी ट्रैकिंग होती है ट्रेन की कि कौन सी ट्रेन कहाँ पर है और इस ये सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो इनमें रेडियो कम्युनिकेशन होता रहता है और जो कवच सिस्टम है वो आसपास की ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहता है रेडियो कम्युनिकेशन के थ्रू और अगर कोई ट्रेन एक ही ट्रैक पर होती है तो वो 400 मीटर की रेंज में आते ही ड्राइवर के केबिन को अलर्ट कर देता है उसमें अलार्म सिस्टम लगा होता है वो बजने लगता है लेकिन अगर ड्राइवर उसमें भी ध्यान नहीं देता है तो फिर ये एंटी ब्रेक सिस्टम ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम अपने आप एक्टिवेट हो जाता है और ट्रेन रुक जाती है जिससे कि एक्सीडेंट नहीं होता है तक सिस्टम है जो डूल फंक्शन मैकेनिज्म इसमें डुअल फंक्शन मैकेनिज्म होती है विच इन्वॉल्व सेंसिंग एंड स्कैनिंग द एनवायरमेंट अराउंड द ट्रेन ये डुअल फंक्शन मैकेजम जो है इसमें ट्रेन के चारों तरफ के एन्वायरमेंट की सेंसिंग और स्कैनिंग होती रहती है जिससे कि ये लोग बता सके ये सिस्टम जो है वो बता सके कि आस पास ट्रेन है या ट्रैक खाली है एंड देन प्रोसेसिंग दिक्वायर्ड डेटा टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट वार्निंग टू द ट्रेन ऑपरेटर्स इट कंटिन्यूसली मोनिटर्स द पोजिशन स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन एंड इन केस ऑफ एन इमिनंट कोलिजन इट अलर्ट्स द ट्रेन ऑपरेटर्स थ्रू ऑडियो एंड विजुअल सिग्नल्स ये हमेशा ही ट्रेन की पोजीशन को स्पीड को और उसके डायरेक्शन को मोनिटर करते रहता है और अगर एक्सीडेंट का केस बन जाए तो ये ट्रेन ऑपरेटर को या ड्राइवर को ऑडियो और विजुल सिग्नल के थ्रू एलर्ट कर देता है द सिस्टम ऑल्सो प्रोवाइड्स इन्फॉमेशन टू द कंट्रोल सेंटर अलाउंग द पर्सनल टू टेक इमिडिएट एक्शन टू प्रिवेंट एनी मिसहेपनिंग और ये सिस्टम साथ ही साथ में कंट्रोल कंट्रोल सेंटर को भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है यानी कि जो स्टेशन होती है वहाँ पर भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है जिससे कि वहाँ पर जो स्टेशन मास्टर या स्टाफ जो है वो इमीडिएट एक्शन ले सके जिससे कि एक्सीडेंट से बचा जा सके अब इस सिस्टम के फीचर्स के बारे में जान लेते हैं तो वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ कवच सिस्टम इज़ इट्स एडेप्टिटी टू वेरियस ट्रेन ऑपरेशंस इंक्लूडिंग बोथ पैसेंजर एंड फ्रेट ट्रेन इसका जो की फीचर है वो ये है कि इसको किसी भी ट्रेन में लगाया जा सकता है यानी कि पैसेंजर ट्रेन हो या मालगाड़ी हो किसी भी ट्रेन में यूज किया जा सकता है इट कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन लोकोमोटिव कोचेज एंड वैगन्स इनेबलिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन एमंग ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रेन इसका जो अगला फीचर है वो ये है कि इसको ये जरूरी नहीं है कि केवल इंजन में ही लगाया जाए या लोकोमोटिव में ही लगाया जाए इसके अलावा ये कोचेज और वैगन्स में भी लगाए जा सकते हैं यानी कि ट्रेन के किसी भी डिब्बे में लगाया जा सकता है जिससे कि ट्रेन का हर कंपोनेंट अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन कर सके मोर एवर सिस्टम इज़ केपेबल ऑफ ऑटोमेटिकली कंट्रोलिंग द स्पीड एंड ब्रेकिंग ऑफ द ट्रेन और ये सिस्टम जो है वो ट्रेन की स्पीड को और ब्रेक को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करने में भी काबिल है कंट्रोल करने में भी सक्षम है और इसी से ये सेफ डिस्टेंसेस आर मेन्टेन बिटवीन देम और इसमें ये एंटी ब्रेक सिस्टम वगैरह जो होता है उसी वजह से इंश्योर करता है कि ट्रेन जो है वो सेफ डिस्टेंसेस कवर करे इसके कॉस्ट और कवरेज के बारे में बात की जाए हमारे यहाँ तो एक इस्टीमेटेड कॉस्ट बताया गया है जिसमें कि अगर कवर सिस्टम रेलवे ट्रैक पे एक किलोमीटर की लेंथ में लगाया जाता है तो उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट 50 लाख पर किलोमीटर पड़ती है और जो कि हमारे यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो वो काफ़ी महंगा है और एक्सपर्ट का ये मानना है कि हमारे यहाँ पे जो प्रेजेंट कवरेज है कवच सिस्टम का वो केवल 1500 किलोमीटर का ही है यानी कि ओनली 1500 हंड्रेड किलोमीटर्स रेलवे नेटवर्क को कवर किया गया है और हमारे यहाँ जो टोटल रेलवे नेटवर्क है वो है 68,000 एट का यानी कि ये ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात साबित हो गई इतना ज़्यादा बड़ा नेटवर्क है और जो कवच सिस्टम लगाया गया है या एंटी कोलिजन सिस्टम लगाया गया है वो केवल पंद्रह सौ किलोमीटर में ही है और इस हिसाब से अगर हमारे यहाँ इसको इंस्टॉलेशन चला तो अभी बहुत साल लग जाएंगे फुली नेटवर्क को कवर करने में और इसके एडवांटेज के बारे में बात की जाए तो ये ड्राइवर को एडवांस में अलर्ट कर देता है कि आगे ट्रेन है ब्रेक लगा लो एक्सीडेंट हो जाएगा वरना और यात्रियों की जान भी बच जाती है इससे साथ ही साथ जा, हमारे प्रॉपर्टी का लाज भी नहीं होता है और लोगों की जान तो बचती है साथ में उम्मीद है आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा तो चलिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कवच सिस्टम स्टेटमेंट नंबर वन कवच इज एन इंडिजीनियस सिस्टम डेवलप्ड बाई इंडियन रेलवेज इन विद स्टेटमेंट नंबर टू द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कवच सिस्टम इज टू प्रोवाइड टाइमली एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ अदर ट्रेन विद इन स्पेसिफिक रेंज स्टेटमेंट नंबर थ्री देर आर थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम नंबर वन आर एफ आई डी टेक्नोलॉजी ऑन ट्रैक्स नंबर टू लोकोमोटिव एंड नंबर थर्ड रेडियो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो लास्ट स्टेटमेंट है वो है कि एट प्रेजेंट नियरली फिफ्टीन परसेंट ऑफ रेल नेटवर्क ऑफ अवर कंट्री इज इक्विप्ड विद कवर सिस्टम हमारे देश का लगभग पंद्रह परसेंट रेल नेटवर्क जो है वो कवर सिस्टम से इक्विप्ड हो चुका है तो आप लोगों को करेक्ट करेक्ट ऑप्शन चूज करना है ऑप्शन ए ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑप्शन बी ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ऑप्शन सी ओनली थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड ऑप्शन डी ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल कीप स्टडिंग स्टेब्लिस्ड एंड हैव अ गुड डे डेड